आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में इन दिनों श्री पाश कथा का सुंदर वर्णन मुंशी 108 प्रणम सागर जी महाराज के श्रीमुख से किया जा रहा है। बुधवार को भी मुंशी ने भगवान के विशाल अलौकिक और दिव्य समशरण की रचना का अति सुंदर वर्णन किया। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में इन दिनों श्री पार्श्व कथा चल रही है, जिसका वाचन मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से किया जा रहा है। बुधवार को मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने श्रावकों पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए समश्रण के विशाल दिव्य और अलौकिक महिमा का वर्णन किया। बता दें कि गुरुवार को कथा का प्रारंभ मंगलाचरण और मुनिश्री के पाद प्रक्षालन के साथ हुआ। बुधवार को पाद प्रक्षालन का सौभाग्य जबलपुर के राजेश जैन के परिवार को मिला। जिन्हें आज भगवान पार्श्वनाथ की और साथ में गुरुदेव की आराधना करने का मौका मिलेगा। बुधवार को भी भगवान पार्श्वनाथ के कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के साथ देवों द्वारा की गई समश्रण की रचना का वैभवशाली अति सुंदर वर्णन मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से किया गया। कथा की शुरुआत में मुनिश्री ने पंचम काल के मुनिश्री शांति सागर जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डालते हुए की। मुनिश्री ने बताया कि अंग्रेजों के शासनकाल में दिगंबर जैन समाज में क्रांति लाकर मुनिश्री शांति सागर जी महाराज ने मुनियों के युग की शुरुआत की। ये परमात्मा को भी कोई दूसरा परमात्मा भेजता है या ये परमात्मा खुद बनकर के आ बैठते हैं या ये परमात्मा खुद अपने पुरुषार्थ से बनते हैं, ये बात अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी बैठ जाए तो हम समझेंगे कि आपके अंदर भी कुछ बीज पड़ गए, कुछ शुरुआत हो गई कि आप भी सही रास्ते पर आने लगे और आप भी इन तीर्थंकरों के रास्ते पर चलने के लायक बन गए। और अगर आप ऐसे रास्ते अपना लिए तो एक दिन आपको वास्तव में समवशरण की वह गलियां मिलेंगी जहां पर घूमते हुए आपको साक्षात तीर्थंकर भगवान का दर्शन होगा। मुनिश्री समवशरण का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कैसे कुबेर विशेष रत्न एवं मणियों से समश्रण की रचना करते हैं। समश्रण का वैभवशाली वर्णन करते हुए मुनिश्री बताते हैं कि समश्रण में देव, मनुष्य और त्रियंश आत्मा कल्याण के लिए आते हैं। समश्रण की 8 भूमियों के बाद मुनिश्री ने 12 कोठों के बारे में बताया, जिसमें गर्धर मुनि, कल्पवासिनी देवी, आरिका, श्राविका, भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, चक्रवर्ती आदि मनुष्य, सिंहादि, त्रयंश प्राणी कोठे शामिल हैं। हम चतुर्थ काल की बातें क्यों करें? ऐसे ऐसे तपस्वी हमारे सामने हुए जिन्हें देखकर के ये लगता है कि वास्तव में अगर पार्श्वनाथ भगवान का जीव, आनंद मुनि महाराज, वज्रनावी चक्रवर्ती, ऐसे मुनि महाराज बन बन करके सिंह के और भीलों के उपसर्गों को सह करके अगर वह आज तीर्थंकर बने हैं तो ऐसे ही मुनि महाराज, ऐसे ही महापुरुष आगे चल करके बड़े बड़े महापुरुष और तीर्थंकर बनते हैं। मुनिश्री बताते हैं कि इन 12 कोठों में असंख्याते भव्य जीव बैठकर धर्म उपदेश सुनकर अपना कल्याण करते हैं। इस वेदी के आगे एक के ऊपर एक क्रमशः 3 पीठ होते हैं। प्रथम पीठ, द्वितीय पीठ और तृतीय पीठ के ऊपर ही गंधकुटी होती है, जिस पर तीर्थंकर अष्ट प्रतिहारियों के साथ आकाश में विराजमान होते हैं। आज महावीर दिगंबर जैन काले आगरा में पूज्य गुरुदेव प्रणम सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से पार्श कथा का मंगलमयी वाचन यहाँ किया गया और उसके मुख्य रूप से उसमें आज वो समश्रण की रचना किस तरह से जो हमारे तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके समश्रण की रचना किस तरह होती है, एक ऐसा समवशरण जिसको इंद्र आकर के स्वयं बनाता है और समवशरण के अंतर्गत 12 कोठों में संपूर्ण सृष्टि के जीव जो भव्य जीव होते हैं वो विराजमान होते हैं। आप देख रहे हो कि हजारों की संख्या में सुबह प्रवचन पार्श्वनाथ कथा का जो वाचन मुनिश्री के मुख से जो चल रहा है उसको सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ रोज पधार रहे हैं। आज मुनिश्री ने ये भी कहा ये 10 लक्षण जो अपने परसों से शुरू हो रहे हैं 10 तारीख से, ये पार्श कथा उन 10 दिनों में भी कंटिन्यूस रहेगी। 10 लक्षण के पर्व के अंदर भी अपन पार्श कथा के माध्यम से धर्म लाभ लेने जा रहे हैं। देव जो हम लोगों को निरंतर उसका वाचन करा रहे हैं
पास कथा में जो भगवान समूह स्वर्ण के अंदर विराजमान हो चुके हैं और महाराज जी समूह स्वर्ण का वर्णन बता रहे हैं कि समूह स्वर्ण में किस प्रकार से उसका दृश्य है, उसका आज महाराज जी ने वर्णन किया। भगवान हमारे समूह स्वर्ण में विराजमान है और दशरक्षण धर्म के माध्यम से भी आचार्य गुरुदेव हमारे उसका पाचन कराएंगे। और जो दशरक्षण धर्म के 10 धर्म होते हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आजब, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, भ्रमचर, जो दशरक्षण धर्म है वो भगवान के ऊपर आधारित हैं। आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज के जीवनी पर आज बहुत अच्छा चित्रण मुनि ब्रह्म सागर महाराज जी द्वारा किया गया। वास्तव में चतुर्थ काल के मुनियों की चर्या और उनका आवाभगत और सारा शास्त्रों में सुनने को मिला, लेकिन जिस तरह से पंचम काल में हमारे मुनि हुए हैं, जैसे शांति सागर, उन्होंने एक दिगम्बरत्व की पहचान जैन समाज को दी है। जैसे जैसे कथा प्रतिदिन आगे की दिशा में बढ़ रही है, वैसे वैसे भगवान के दशलक्षण पर्व भी नजदीक आते जा रहे हैं, जिसको लेकर कथा स्थल पर भव्य तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर भक्तों के रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे हैं। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।